हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेज गेमर। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं लिबरेटर की ऑफ रोडिंग। यस गाइस, आप इसको मोस्टर ट्रक भी कह सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मोस्टर ट्रक कैसा लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये। ओके गाइस, यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हर तरफ स्नो ही स्नो है। इट्स मीन कि आज की जो ऑफ रोडिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्नो में आप पहली बार ही ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे। देख सकते हैं कि माउंटेंस बर्फ से ढके हुए हैं। तो ओके गाइस, अगर आपने मेरी पहले ऑफ रोडिंग की वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। तो गाइस, अभी हम टनल के अंदर आ चुके हैं। ये वाला ट्रैक तो आपको बिल्कुल याद ही हो गया होगा। और काफी मस्त साउंड है इस गाड़ी का यार। अलग ही फील आ रही है। तो गाइस, यही वो रास्ता है जहाँ से हमने जाना है। देखिए, रास्ता भी मतलब के बर्फ से ढक चुका है। तो ऐसा कोई पहली बार ही कर रहा होगा जो कि स्नो में जा रहा होगा। ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। देखो गाइस, आपको यहाँ पे रोड्स ही नजर आए, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से हमने ऊपर की तरफ जाना है। और देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए हैं। अरे यार, कहाँ चलेगी। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। वैसे ये गाड़ी ना काफ़ी औसम है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आ रही कि यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं आ रही। बिल्कुल आराम से स्मूथली ये ऊपर जा रही है। बस थोड़ा सा ये बर्फ की वजह से स्लिप हो रही है, कि कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। तो ये भी हम पूरा माउंट चिलियाड माउंटेन क्लाइंब करेंगे। वैसे बाकी ऑफ रोडिंग के निस्बत, बाकी गाड़ियों से जो ऑफ रोडिंग हम करते हैं उसकी निस्बत ना ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जल्दी हो रही है ऑफ रोडिंग हमारी हो जाएगी। क्योंकि इस गाड़ी के टायर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं ऑफ रोडिंग के लिए और इंजन भी बहुत अच्छा है। तो ये बेस्ट है ऑफ रोडिंग के लिए। वाओ गाइस, अभी आप देख लेते हैं, हमने आधा क्लाइंब कर लिया माउंटेन, थोड़ा सा ही रहते हैं। और यहाँ से आप ऊपर से देखें, नीचे देखें, सब चीज़ें बर्फ़ से ढकी हुई हैं। वाओ गाइस, तो ये मंज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाना है हमें। हॉर्न भी काफी मस्त है यार। अरे यार, कहाँ जा रही है गाड़ी। थोड़ी सी पीछे की तरफ स्लिप हो गई थी गाइस, बहुत मुश्किल होने वाली थी अगर हमने ब्रेक ना लगाते। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी काफी अच्छा लग रहा है। जो सीनरी है वो काफी अच्छी आती है यहाँ से। ओके गाइस, हालांकि मैं यहाँ पे रोज़ाना ही आता हूँ, मतलब कि ऑफ रोडिंग के लिए हम काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के साथ और मतलब कि ये जो ना स्नो की वजह से ना काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं पहले कभी आया ही नहीं ड्यू टू स्नो। तो ओके गाइस, आप यहाँ से भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मतलब के सीन लग रहा है। हर तरफ स्नो ही स्नो है। सुबह हम जल्दी से चलते हैं गाइस। तो ओके गाइस, पता ही नहीं लग रहा कि हम कहाँ पे हैं, कि हर तरफ स्नो ही स्नो है। ये काफ़ी डेंजरस जगह है। तो
जब गाड़ी नीचे की तरफ गिरने लगती है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम खुद भी गिरने वाले हैं गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल ये रियल लाइफ की ग्राफिक्स होती हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं। एज यू कैन सी दैट के हम यहाँ पे ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। चेयर के ऊपर की तरफ आपको केबल कार नज़र आ रही होगी। Metro bucket selection. तो यहीं पे हम गाड़ी को पार्क करते हैं गाइस। तो ओके गाइस, एज यू कैन सी के हम यहाँ पे बिल्कुल पहुँच चुके हैं माउंट चिलियार्ड पे, और सबसे टॉप पे हैं माउंट चिलियार्ड की। और यहाँ से आप देखो यार गाइस, यहाँ से तो वैसे पूरा शहर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब स्नो से ढकी हुई हैं। गाइस अगर आपको आज की ऑफ रोडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दे दें थम्स अप, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ओके गाइस, बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।